चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह लट्ठी। अल्लाह लट्ठी, तू लड़का ही के लड़की है? गलती लड़की है। क्या इतना क्या करेंगे तुम? हम मांग रहे हैं ना। हां, मजबूरी है ना। किस चीज की मजबूरी है, क्यों मांग रहे हैं? बस हमारा इधर इधर देखे, इधर हमारी मजबूरी है ना। हम क्या कर लूँ, कमाऊँ तो हम पैसा नहीं कालू था। क्यों, आपके जो वालदैन है वो क्या करते हैं? ओ फैले लेते हैं, मानते हैं। क्या वो फेरे रहते हैं? कबाड़ा इकट्ठा पास, कबाड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। तो आप भी वही काम करते हो? आप पढ़ते नहीं, आपको नहीं पढ़ाते? नहीं। कितने बहन भाई हो? त्रै बहनें छह भाई हैं। तीन बहनें और छह भाई हैं, सारे यही काम करते हो? ये इसराब कर रहे हो? आप बड़े बड़ी बहन हो, फिर वो आपको फिर भी वो जूता नहीं लेके दे, जब 100 करोड़ लेके देती हो आपको नहीं ले देते कुत्ता यार कौन है? कुत्ता ले गया। तू क्यों नहीं पहनती? मैं जूता पहनूं? सॉरी, मैं नहीं पाता। सॉरी, चलो अच्छी बात है, आप ना जूता पहना करो, ठीक है? अच्छा, आप इमरान खान के बारे में कुछ कहना चाहते? क्या कहना है इमरान खान को? इमरान खान माती है और तू जेल में फांसी में दे। क्या कह रही हो? फांसी में मिलान तो दे, इमरान खान को फांसी दे दी जाए। क्या बिगाड़ा, मारो मुझे, मारो। इमरान खान बड़ी सख्ती शायद करती है। सख्ती करता है? हाँ, चीजें महंगी करता है। हाँ, इसलिए उसको फांसी दे दी जाए। हाँ नहीं, अब ऐसा तो ना कहो कि उसको फांसी। इमरान खान साढ़े ना जिंदा था पहले, कुरान शीत वो तो जहर थे, तो आप जहर से बांटती है। क्या कह रही हो? पहले मिलान कुरान शी को ने तो जेल में भेजे थे, मिलान शाह इमरान खान को जेल में भेज दें। हाँ। ये कह रही है कि इमरान खान को जेल में भेज दें या उसको फांसी दे दें, क्योंकि उसने चीजें महंगी की हुई हैं, ये हाल है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और? ये तो हवाले कुछ नहीं, वो इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मेरी बहन है, वीडियो दे पेड़ो। ये तुम्हारी बहन है, वीडियो इसकी तरफ फैल है। ये क्या कर रही है, लड़ो नहीं। अच्छा चलो इधर आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तो अब आप कब घर जाओगे? होने शाम को। शाम को जाओगे? कितने पैसे कमा लिए आप? 150। 150? और तुम्हारी इस बहन ने? 200। उसने 200 कमा लिया है। चलो अच्छी बात है, आप ना ये पैसे ना मांगो, और ये अपना जाके इन जो पैसे लिए ना, इनसे जूता लिया करो। धूप होते कितनी थी, कैसे आप फिर हो जाए थे? मेरा पेल्ट बताऊँ असली में। चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सामा। सामा, क्या करते हैं? हम सीए के स्टूडेंट हैं। सीए के स्टूडेंट हैं, कैसे पढ़ाई के लिहाज से क्या आप कहना चाहेंगे? पढ़ाई है, इजी है, आसान है क्या? सर टफ तो है, लेकिन टाइम टेकिंग है, सेल्फ स्टडी करें तो बिल्कुल हो जाती है आराम। अच्छा, आपसे ना एक सवाल है, आपने बताना है कि आज 23 मार्च का दिन था, तो आपने बताना है कि 23 मार्च को क्या हुआ था? सर 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। किसने की थी? मैंने। क्यों की थी? सर देखें, बहुत सी डिफ़िकल्टीज थी मुसलमानों को। अच्छा। तो आपने कहा मैं सॉल्व कर देता हूँ। जी मैं, फिर ज़ाहरी बात है अपने मुसलमान से परेशानी तो होती है। बिल्कुल, तो आपने सॉल्व कर दिया। जी मैंने कहा। अच्छा, आपसे ना एक और सवाल है, करा दो पाकिस्तान आपने मंजूर कर ली, आपने बताना है कि शादी पसंद की होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? सर देखें, दोनों सूरतों में आपने बर्बाद होना है, तो पसंद की करके हो जाओ, करके पछताओ ना, करके ना पछताओ। अच्छा, आपके मुताबिक आपने बताया कि पसंद की शादी करनी चाहिए, मतलब आपने पसंद की शादी के तीन फायदे बताए। सर तीन फायदे, ये फायदा मैंने आपको बोला ना, बर्बाद होना, बर्बाद होना है, और फायदा ये है कि चलो शौक पूरा हो जाता है आपका। ये तो नुकसान हुआ सर, शौक पूरा हो गया। शौक पूरा हो गया, बर्बाद होना नुकसान हो गया, शौक पूरा हो गया, ये फायदा वो तो अरेंज में भी होना है आपने। अब मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं ऐसे धीमे धीमे, थोड़ा सा फनी हो जाए, खुशी हो जाए। किस चीज़ की परेशानी है? परेशानी सर ये है, ईद का रिजल्ट आ रहा है हमारा। रिजल्ट आ रहा है? ईद को तो अभी मंथ पड़ा है, माह रमजान का महीना है, दुआएं करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो। सर वो बात खैर करेगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो अपने खुद का पता होता है, और वो ईद पे जो रिजल्ट आ रहा है तो वो अभी से टेंशन होती है, ईद ही मिलेगी फिर वो थोड़ा सा टेंशन। चलो अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, हमेशा खुश रहें। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई पैगाम देना? सर पैगाम यही है कि मैंने आपको पाकिस्तान बना दिया है। हाँ। तो इसको साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। अच्छी बात है, आपका मूल कर रहे हैं जैसे दिल करता है आप। चलो ये पैगाम। जी बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है?
उमेर। वाह ये तो मेरा नाम है, आपने क्यों रख लिया? ये मेरे पेरेंट्स ने रखा है। हाँ अच्छी बात है माशाल्लाह। अब क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा था, अब कंप्लीट हो गई है। क्या पढ़ रहे हैं? मैं एग्रीकल्चर कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हो गई है। ये क्या अब क्या कर रहे हैं? अब एमफिल का इरादा है और साथ साथ जॉब का भी। जॉब क्या कर रहे हैं? ये इरादा है, इरादा है। हाँ जी रिसेंटली डिग्री एंड हुई है ना। अच्छा, फिलहाल मतलब फ्री है, यहाँ बैठ के तमाम को देख रहे हैं। हाँ यूनिवर्सिटी से नहीं थक के आप यहाँ आगे पार्कों में देखने के लिए? नहीं सारे इमाम होते हैं यूनिवर्सिटी में। इधर ना रिलैक्स होने के लिए, फ्री खुली ताज़ा हवा खाने के लिए आए हैं। रिलैक्स होने के लिए। हाँ चलो अच्छी बात है, ये माहौल नहीं होता ना। चलो आपसे ना एक सवाल है, आपने बताना है कि शादी पसंद की होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? पसंद की। पसंद की। हाँ पसंद की। शादी के तीन फायदे बताएं। एक तो फायदा ये है, एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है, और दूसरा ये है लड़ाई। जान पहचान तो पहले होती है। नहीं नहीं अरेंज मैरिज होती है ना। आपने कहा पसंद की शादी, अब अरेंज पे आ गए, पसंद की शादी। हाँ पसंद की जो मैं बता रहा हूँ, जान पहचान होती है, पहले होती टेंशन नहीं होती। हाँ पहले। और दूसरा लड़ाई झगड़ा होता है ना जब, फिर जल्दी एक दूसरे को बंदा मना भी लेता है। हाँ अरेंज नहीं होनी चाहिए, अरेंज में बाद में लव हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, लेकिन जो वो वाली बात, आप कौन सी कैसे करेंगे शादी, अरेंज करेंगे लव करेंगे? लव, इसलिए तो लव के आपको मैं यहाँ बताए जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा आपने बताना है कि आज 23 मार्च का दिन था, छुट्टी थी हर तरफ, ठीक है ना? 23 मार्च को क्या हुआ था ये बताएं। 23 मार्च को 23 मार्च को करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा किसने की थी ये 23 मार्च करार? तेईस मार्च को मुझे लगता है आप यूनिवर्सिटी गए थे, आपको पता नहीं है? नहीं नहीं गाँव गए होते? नहीं नहीं मैं घर ही था, घर ही था ना। बताया तो है करार दादी मंजूर हुई थी। क्यों हुई थी, किसने की थी ये बताए ना, किसने की थी? चलो ये बताए। ये याद नहीं है मुझे। नहीं क्यों हुई थी, इसका मकसद क्या था? ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान किस लिए? पाकिस्तान बनाया था 23 मार्च? नहीं ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं पता ना, मैंने ये नहीं कहा ना करारदाद, बस ये जो मुझे आइडिया मैंने आपको बताया। अच्छा इसके अलावा आपके अंदर कोई टैलेंट हो, आप कुछ सुनाना चाहें, कोई शेयर करना चाहें, कोई गाना तो आपको कोई शेर आता हो? हाँ गाना सुना देता हूँ। तो ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूँ तो नहीं इख्तियार। बस यही होता है। चलो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।